हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली 3 जून को एक वीडियो रिलीज किया था जिसका नाम था ए स्पेशल मैसेज। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। उसमें मैंने ये बताया था कि मैं एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने की सोच रहा हूँ जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मैं अपनी हेल्प और गाइडेंस दे सकूँ आपकी स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इस सिस्टम के द्वारा कैंडिडेट की स्किल की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जा सकती है और उसको जो सूटेबल स्टेप्स लेने हैं, जो उसको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, वो उसको एडवाइस किए जा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी पैसेज में जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या हमारा स्किल एग्जाम होता है तो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, हमेशा होते हैं। डिपेंड करता है कि कैंडिडेट की वोकैबुलरी कितनी है और कितनी उसने प्रैक्टिस की है, लेकिन इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं होते डिफिकल्ट वर्ड्स कि हमें उनकी ज्यादा चिंता करनी पड़े। जो हमें ज्यादा चिंता करनी है वो छोटे छोटे चीजों की करनी है, छोटे वर्ड्स की करनी है या छोटी छोटी चीजों की करनी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स की करनी है। जो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं वो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में, स्किल एग्जाम में डिपेंड करता है, 1 से 1.5% के बीच में होती हैं और वो कैंडिडेट किस डिफिकल्टी लेवल तक पहुंच चुका है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन जो छोटी मिस्टेक्स होती हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो हम उसको करने में लग जाते हैं और उसके लिए 4 वर्ड जो सिंपल होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। तो इन चीजों को प्रैक्टिस चाहिए हैंडल करने के लिए, ये कभी भी एक दिन में हैंडल नहीं होती। छोटी मिस्टेक्स ही हमारी स्किल की परफॉर्मेंस को खराब करती हैं और जो उसको हैंडल कर लेता है वो क्लियर कर लेता है। इन द सेंस कि अगर हम सोच लें कि 1-1.5% डिफिकल्ट वर्ड्स आए और हमने उनको छोड़ दिया, जब हम उनको छोड़ देते हैं तो बाकी हमारे पास स्कोप रह जाता है 3-3.5%। फिर भी हमें मिस्टेक्स और हैं, अगर हम उसके अलावा भी कुछ कर देते हैं तो हमें ये डर नहीं रहता कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये सब तब हो सकता है जब कैंडिडेट्स रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन करते रहें, उसको चेक करते रहें और उसमें मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके फिर कैसे हैंडल करना है वो उसको आस्ता आस्ता हैंडल करते रहें, तभी होती हैं। अगर हम यहाँ पर 2% मिस्टेक कर रहे हैं, 3% कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम 5% से कम मिस्टेक्स लाके क्लियर कर लेंगे। इसके लिए एक पीरियोडिकल चेक जरूरी है कि प्रोग्रेस हमारी किस हिसाब से हो रही है, उसको मेजर किया जाए, मिस्टेक्स को देखा जाए, नंबर देखा जाए, काइंड ऑफ मिस्टेक्स कैसी हो रही हैं उनको देखा जाए और उसको फिर इम्प्रूव किया जाए। इन केसेस में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है जहां कैंडिडेट का पोटेंशियल है लेकिन वो छोटी छोटी चीजों को हैंडल या तो करना नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं जानता या उसको मालूम नहीं कि कैसे करना है। अगर हम कोचिंग की बात करें, ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, तो क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं COVID-19 की वजह से कि कुछ मालूम नहीं कि कौन से एरिया में कब पॉजिटिव केस आ जाएं और उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, और वैसे भी रिस्क क्योंकि इन्वॉल्व है बाहर जाने में, तो ऑफलाइन कोचिंग का पॉसिबिलिटी जो है और भी कम होती जा रही है। और कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रिपरेशन करनी थी ये करनी है, उनकी प्रिपरेशन भी अभी सफर कर रही होगी, इसलिए ऑनलाइन मेथड को स्विच ओवर करना अब एक तरह की नेसेसिटी होती जा रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने जब कंप्यूटर हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था मे बी late 1970s में, तो बहुत सी लोगों की अप्रिहेंशंस थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी उसकी वजह से और क्या होगा, काफी वैक्यूम था इस बारे में कैसा होगा। उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, नए नए तरीके के हम देख रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इवन मोबाइल किसी ने सोचा नहीं था जब हम लैंडलाइन यूज करते थे, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और उसका हम जितना बेस्ट यूज कर सकें वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा समय बदलता रहता है और चीजें भी बदलती रहती हैं समय के साथ। आज हम 21st century में हैं और टेक्नोलॉजी का युग है, हर चीज में टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल हो रही है
और इसका यूज ज्यादा से ज्यादा करना भी चाहिए और करने की अब जरूरत भी पड़ गई है। रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगा, जैसे कि देखा है कि अब इवन जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्होंने आपने देखा पेंडेमिक में उन्होंने भी ऑनलाइन जो है टीचिंग ली, तो ये एक रिक्वायरमेंट बन गई है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। कुछ लोगों की अपनी इन अप्रिहेंशन हो सकती हैं कि ये ऑनलाइन मेथड कैसे काम करेगा या यूजफुल होगा नहीं होगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा, बट आई वुड से कि हर सिस्टम के अपने मैरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, इसके अपने मैरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी होंगे। मैरिट्स ये हैं कि नेचुरली आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता जब आप ऑनलाइन मेथड से करते हो, ट्रैवल करने में जो आपका एनर्जी टाइम लगता है वो बच जाता है। मैंने जो रिसेंटली एक सिस्टम शुरू किया है ऑनलाइन, वो मैंने 8 जून से किया था, वो अब तक उसका अच्छा रिस्पांस है और इसमें कैंडिडेट्स को भी गेन हो रहा है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि डेली मॉर्निंग में एक डिक्टेशन रिकॉर्डिंग भेजना, उसके बाद वीकली रिव्यू करना डिस्कशंस करके, मे बी व्हाट्सएप से या किसी और टेक्नोलॉजी के यूज से, जो भी कन्वीनियंट टाइम हो उस पर, और डिस्कशंस करना मिस्टेक्स के ऊपर कि किस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं, उनकी डेली समरी शीट लेना जिसमें मिस्टेक्स आती हैं कि हाँ कितनी मिस्टेक्स की और किस नेचर की मिस्टेक्स हैं, उनकी आउटलाइंस को कॉल करके उसको एग्जामिन करना जरूरत पड़ने पर, और ट्रांसक्रिप्शन भी कॉल करना, डिपेंड करता है कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से उस पर डिस्कशन करना। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो इश्यूज आ रही हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो क्लैरिफिकेशंस चाहिए वो क्लैरिफिकेशंस देना, ताकि उनके माइंड क्लियर रहे और वो आगे प्रोग्रेस कर सकें। और इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स गाइडेंस और द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, जो भी एक्यूरेसी के लिए स्पीड के लिए जो भी उनको स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में बताना, और कैंडिडेट भी उसका भी जो डाउट हो बीच में वो भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मेन फीचर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों तो वो मेरा जो फ़ोन नंबर दिया है मैंने इसमें उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। उसके बाद अगर मेरे बारे में आप लोग थोड़ा सा जानना चाहो तो मैंने जो अबाउट कॉलम है चैनल का उसमें मैंने अपने बारे में कुछ लिखा है, आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही मैंने आज आपसे शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू।